हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ। तो आज हम बात करेंगे जनरल बियरिंग के बारे में, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं जनरल बियरिंग होती क्या है। तो जनरल बियरिंग इज अ सॉफ्ट रोटेशन ऑफ इन बियरिंग, मतलब सॉफ्ट जो है किसके बीच में रोटेट करती है, बियरिंग के बीच में, किसकी हेल्प से, लुब्रिकेंट्स के बीच में। द सॉफ्ट रोटेट इन द बियरिंग विथ अ लेयर ऑफ लुब्रिकेंट सेपरेटिंग द टू पार्ट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने दिखाया है ये बियरिंग कैविटी है, ओके। तो बियरिंग के अंदर क्या है, सॉफ्ट, ठीक है। ये जो सॉफ्ट है इस बियरिंग कैविटी के अंदर रोटेट करती है, और ये जो बोलते हैं इसको जनरल बियरिंग इसलिए बोलते हैं, इसको हम प्लेन बियरिंग भी बोल सकते हैं, प्लेन बियरिंग, ओके। तो यहाँ पे जो जनरल वर्ड है वो सॉफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो सॉफ्ट है उसे ही हम जनरल बोलते हैं, ओके। तो देखिए इसमें होता क्या है और ये काम कैसे करती है। तो नॉर्मल जो बियरिंग आती है, आपने रोलर बियरिंग सुना होगा, इसमें रोलर्स लगे रहते हैं जिनकी हेल्प से जो है वो रोलिंग एक्शन मिलता है हमें। और बॉल बियरिंग्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी भी पार्ट का सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट नहीं रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सॉफ्ट है और ये बियरिंग की सरफेस है, इंटरनल सरफेस, ओके। तो इसका और बियरिंग का और सॉफ्ट का कोई भी सरफेस मैच नहीं करता है जब ये रोटेट करता है। अब इसको कैसे सेपरेट करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट जो है हम इसमें यूज़ करते हैं। तो देखिए अभी काम कैसे करता है। तो यहाँ पर हम लुब्रिकेंट जब इसमें देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या होता है, जब ये अभी इसी इनिशियल स्टेट में जो है इसकी जो सेंटर है इससे एसेंट्रिक रहता है, ठीक है, और जो इस बियरिंग का डाया बड़ा रहता है सॉफ्ट से, ठीक है। तो जब इसको हम रखते हैं इसके अंदर, तो पहले इनिशियल कंडीशन क्या होती है, जो सॉफ्ट होती है वो इसको टच करती है, इसकी जो सरफेस बियरिंग की इसको टच करती है, और इसके साइड से हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट्स डाल देते हैं, ठीक है। फिर जब ये लुब्रिकेंट स्टार्ट, मतलब जब ये सॉफ्ट स्टार्ट होती है रोटेशनल, इसका जब हम इसको ओमेगा देते हैं तो ये रोटेट करना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो रोटेट करने के बाद क्या होता है कि ये लुब्रिकेंट्स की फिल्म जो है इसको स्क्वीज करती है, स्क्वीज मतलब इसको दबाती है तो यहाँ प्रेशर जनरेट होता है। फिर ऐसे ही करके उसमें क्या होता है, जैसे ही ऐसी रोटेट करती है, लेट से क्लॉकवाइज जैसे ही रोटेट करती है, तो पहले ये इस पॉइंट को दबाती है, यहाँ प्रेशर बिल्ड होता है, फिर ये इस पॉइंट को दबाती है, यहाँ प्रेशर बिल्ड होता है। तो इसी तरीके से पहले ये सेंटर घूमती है, फिर फाइनल कंडीशन में क्या होता है, जब हर जगह सेम प्रेशर हो जाता है, हर जगह सेम प्रेशर जब ये रनिंग करने लगती है तो हर जगह सेम, यहाँ भी लेट से मान लीजिए यहाँ पर वन बार, यहाँ भी वन बार, हर जगह से जब वन बार हो जाएगा तो जो हमारी सॉफ्ट है उसकी सेंट्रिसिटी हट जाएगी, ये कॉन्सेंट्रिक हो जाएगी ये सॉफ्ट इसकी। तो अब देखिए इसमें ना ही इसमें कोई सरफेस कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो हम इसमें बेसिकली इसको यूज़ क्यों करते हैं, तो पहली बात तो ये प्लेन टाइप ऑफ बियरिंग है, इसको डिज़ाइन करना बहुत ही आसान है, इसकी कॉस्ट बहुत ही कम पड़ती है, और इसका जो फ्रिक्शन नहीं होता है। अब जैसे हमारी बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग आती है, जैसे इस टाइप की बियरिंग आती है, बॉल बियरिंग आती है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे बॉल्स होते हैं तो उनमें फ्रिक्शन होता है, इस सरफेस पे फ्रिक्शन होता है, अगर इसका, क्योंकि यहाँ मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट है, लेकिन जबकि इस केस में मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट नहीं है, यहाँ पर जो है हम एक लुब्रिकेंट दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से ये सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो पहली बात क्या होता है, ये रिड्यूस लोड फ्रिक्शन। तो जैसे कि मैंने बताया अभी कि इसमें फ्रिक्शन को बहुत ही कम करती है, जो फ्रिक्शन का लोड होता है उसको बहुत ही कम करती है, ठीक है। और ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें लोड जो हमारा लाइट, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ बियरिंग आती हैं, जिसमें हाइड्रोडायनामिक हाइड्रोस्टैटिक, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो इसमें अलग अलग लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है,
और सबसे बड़ा इसमें एक और एडवांटेज मिलता है कि जो ये लुब्रिकेंट्स होता है, अब जो जो भी लुब्रिकेंट्स होता है वो विस्कस होता है, और उसमें डैम्पिंग इफेक्ट होता है। अब डैम्पिंग इफेक्ट क्या होता है? डैम्पिंग इफेक्ट वह होता है कि जो जो वाइब्रेशन को एम्पलीट्यूड को धीरे धीरे कम कर दे। ओके, तो क्या होता है, अगर इसमें वाइब्रेशन होगा, अगर इस सॉफ्ट में वाइब्रेशन होगा तो जो ये थिन फिल्म लुब्रिकेंट लुब्रिकेशन जो लुब्रिकेंट है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, मतलब डैम्प्ट कर देगा। तो इसलिए इसमें वाइब्रेशन भी बहुत कम होने के चांसेस हैं। तो ये देखिए, ये जनरल डायग्राम है इसका, जनरल बियरिंग का। तो इसमें एक हाउसिंग होती है, ये हाउसिंग हो गई, ये इसके अंदर ये शाफ्ट होती है जिसे हम जर्नल बोलते हैं, ठीक है। और शाफ्ट और जो हमारी बियरिंग बियरिंग है, इन दोनों के बीच में क्लियरेंस होता है जहाँ पर लुब्रिकेंट ऑयल हम यहाँ से डालते हैं, ठीक है। ये ऑयल इनलेट है, यहाँ से लुब्रिकेंट अंदर जाता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि जनरल बियरिंग कितने टाइप की होती है। तो जनरल बियरिंग मेनली डिफाइन दो टाइप की होती हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। मेनली दो टाइप की होती हैं, बाकी इसमें ये थिन फिल्म और जीरो फिल्म भी हमें आपको बताऊंगा। तो जो मेनली होती है वो हाइड्रोडायनेमिक और हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग होती है, ठीक है। तो इसको जो हम वेरियस जो रेल रोड व्हील्स होते हैं, जो रेल व्हील्स होते हैं, उनके जो एक्सल्स होते हैं वहाँ पर भी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो काफ़ी सारी जगह जैसे इंजन्स और टर्बाइन्स में जहाँ पे हाई हॉर्स पावर होता है वहाँ पर भी इसको हम यूज़ करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और इसके एप्लीकेशंस भी बहुत स्मूथ एप्लीकेशन होता है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन होता है और वाइब्रेशन को भी अब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग के बारे में। तो जो हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग है, अब देखिए कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, हाइड्रोडायनेमिक और हाइड्रोस्टैटिक। डायनेमिक्स मतलब हाइड्रो मतलब बेसिकली फ्लूड, ठीक है। और डायनेमिक मतलब यहाँ पे हम कुछ ना कुछ फोर्स देके कुछ डायनेमिकली करके यहाँ पे प्रेशर जो है बिल्डअप कर रहे हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक में जो हमारा प्रेशर है वो स्टैटिक है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोडायनेमिक है इसमें क्या होता है, जो हमारी बियरिंग होती है, बियरिंग और जनरल मतलब बियरिंग और जनरल के बीच में जो जो क्लियरेंस होता है, ठीक है, उसमें हम लुब्रिकेंट्स प्रेशराइज करके नहीं डालते हैं। फिर से सुनिए, प्रेशराइज करके नहीं डालते हैं, मतलब एक्सटर्नल कोई भी इसमें प्रेशर सप्लाई नहीं दी जाती है हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग में, ठीक है। और इसमें प्रेशर कैसे बिल्डअप होता है, ये प्रेशर बिल्डअप होता है वेजिंग एक्शन के द्वारा। ये होता है वेजिंग एक्शन। वेजिंग एक्शन क्या होता है मैं अभी बताता हूँ आपको। तो जो वेजिंग एक्शन के द्वारा ये इसमें जो है प्रेशर बिल्डअप होता है बिटवीन दी शाफ्ट एंड बियरिंग। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहले क्या था, स्टैटिक थी। स्टैटिक थी मतलब ये इसका जो ये जो शाफ्ट है, और बियरिंग का जो इनर सरफेस है ये मैच कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, अब चूँकि ये हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग है तो हाइड्रोडायनेमिक में जो क्लियरेंस होता है वो बहुत ही बहुत ज़्यादा कम होता है हाइड्रोस्टैटिक के। अगर देखा जाए तो हाइड्रोस्टैटिक में ज़्यादा क्लियरेंस होता है, इसमें कम क्लियरेंस होता है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो लुब्रिकेंट्स है वो इसमें डाल दिया, ठीक है। तो ये प्रेशराइज लुब्रिकेंट नहीं है, ये नॉर्मल प्रेशर पे हमने इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमने इसको दिया, ठीक है। तो अच्छा, इसमें दो कंडीशन होती हैं, या तो अगर हमें बिल्कुल ही ये फ्रिक्शन लेस बनाना है इसको, तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले एक्सटर्नल इसमें प्रेशर देते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर से क्या होता है, ये जो शाफ्ट होता है ये थोड़ी सा लिफ्ट कर जाता है, तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नहीं रहता है। या तो ये कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि हम एक्सटर्नल प्रेशर नहीं देते हैं, तो यहाँ स्टार्टिंग में हमें हल्का सा फ्रिक्शन मिलता है, उसके बाद सब स्मूथ हो चलने लगता है, ठीक है। तो फिर ये होता है स्टार्टअप की कंडीशन में। तो स्टार्टअप की कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे ये जब स्टार्ट होता है, स्टार्ट कर देता है, रनिंग स्टार्ट कर देता है, ये देखिए। अच्छा, ये वाला जो डायग्राम मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये देखिए, ये है हमारी हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग में। अब हम यहाँ आपको बताएंगे कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे इसके अंदर वेजिंग एक्शन क्या होता है, और इसके अंदर कैसे ये जो शाफ्ट है अपने सेंटर पे आ जाती है,
ठीक है, कुछ देर, कुछ टाइम टी बोल सकते हैं, कुछ टाइम टी में ये जो शाफ्ट है अपने इस बियरिंग से कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। तो इसमें होता क्या है कि जब ये शाफ्ट रोटेट होना स्टार्ट करती है, लेट्स से इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, तो अगर जब ये घूमती है तो चूंकि ये सेंट्रिक है, इसका मान लीजिए यहाँ पर सेंटर है, इसका यहाँ पर सेंटर है, तो चूंकि ये सेंट्रिक है तो ये अभी सेंट्रिक ही घूमेगी। इसके इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो तो जो ये शाफ्ट होती है, तो जब ये रोटेट करना स्टार्ट करती है तो यहाँ पे जो लुब्रिकेंट है, यहाँ पे जो लुब्रिकेंट है वो इसको स्क्वीज करती है, मतलब दबाती है। तो यहाँ दबाती है तो यहाँ प्रेशर बिल्डअप होता है इस रीजन में। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसने इसको ज़्यादा दबाया, यहाँ कम। तो क्या होता है कि अगर हम, जैसे कि मैंने यहाँ रेड जोन दिखाया, तो रेड जोन क्या है, हाई प्रेशर, और ये जो ग्रीन जोन है वो यहाँ पर है लो प्रेशर, यहाँ पर भी हल्का सा लो प्रेशर रहता है। तो या इसी इसमें दे, तो मैक्सिमम प्रेशर कहाँ होता है, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जगह कम है, इसको यहाँ पर ज़्यादा स्क्वीज़ किया, मतलब ज़्यादा दबाया है, ठीक है, यहाँ पर कम दबाया है इसने शाफ्ट ने, और यहाँ पर और कम दबाया है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ हुआ, यहाँ। तो मैंने यहाँ प्रेशर पी मैक्सिमम दिया है, मिनिमम प्रेशर कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है, मिनिमम प्रेशर यहाँ रहेगा, मैक्सिमम प्रेशर यहाँ रहा है। ये देखिए, ये मैंने इसकी प्रोफाइल बताई है कि किस तरह से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए कम प्रेशर है, फिर यहाँ पर ज़्यादा है, और ज़्यादा हुआ, और ज़्यादा हुआ, फिर यहाँ पे मैक्सिमम इस पॉइंट पर मैक्सिमम प्रेशर है, फिर यहाँ पर कम प्रेशर है। तो इसी डायरेक्शन में पहले ही प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कम इसने इसको दबाया है, इसने यहाँ ज़्यादा दबाया, इसलिए ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ बहुत ही कम दबाया है, तो इसलिए यहाँ सबसे कम प्रेशर। तो ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अब क्या होता है, जब ये शाफ्ट पूरा रोटेट करना स्टार्ट करती है तो पहले ये सेंट्रिक जोड़ती है, फिर क्या करती है, एक्चुअली क्या होगा, अभी इसने इसको यहाँ दबाया, फिर इसको ये यहाँ दबाएगी तो यहाँ प्रेशर बिल्डअप होगा, फिर इस चीज़ को यहाँ दबाएगी तो यहाँ प्रेशर बिल्डअप, फिर इस चीज़ को यहाँ दबाएगी तो यहाँ प्रेशर बिल्डअप होगा। तो इसी डायरेक्शन में ये ऐसे मूव करती रहेगी जब तक क्या होता है, जब तक कि हर जगह पे सेम प्रेशर नहीं हो जाता। जैसे ही सेम प्रेशर होगा तब ये शाफ्ट इसके बीच में आ जाएगी, इसका सेंटर सेम हो जाएगा, मतलब कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा। ओके, तो ये होती है हाइड्रो डायनेमिक बियरिंग, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायनेमिकली प्रेशर जो है बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लुब्रिकेंट्स का प्रेशर जो है डायनेमिकली बढ़ा रहे हैं, किसके द्वारा, वेजिंग एक्शन के द्वारा। तो ये हो गया हमारी हाइड्रोडायनेमिक, यहाँ पर हम कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर पहले से नहीं दे के रख रहे हैं, ठीक है। अब जब आती है बारी हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग की, तो जो हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग होती है इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक्सटर्नल प्रेशर देते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्सटर्नल प्रेशराइज लुब्रिकेंट, इन विच द प्रेशराइज लुब्रिकेंट पम्प इनटू द क्लियरेंस ऑफ द बियरिंग इन जनरल, हैंस इट हैज़ सपोर्ट हायर लोड इवन एट द स्टेशनरी कंडीशन विथ वेरी लो स्टार्टिंग फ्रिक्शन रिजल्ट वेरी लो टीयर एंड वियर, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो हाइड्रोस्टैटिक वियर होते हैं, यहाँ इसमें हम क्या, ये लुब्रिकेंट से मान लीजिए रिजर्वॉयर को ये पंप लगा के पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें पहले ही से प्रेशर दे देते हैं। इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, अपना पास्कल लॉ तो पढ़ा होगा आपने, ठीक है, इन अ फ्लूइड प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। जो लिक्विड होता है उसमें जो प्रेशर होता है वो सेम होता है हर डायरेक्शन में। तो क्या होता है, अगर मान लो मैंने यहाँ 10 बार दिया, 10 बार दिया, तो 10 बार यहाँ बन गया, 10 बार यहाँ। अब हर जगह से सेम प्रेशर लग रहा है, तो हर जगह से मतलब सेम फोर्स लग रहा है, क्योंकि एरिया सेम है। तो अब क्या होगा, ये जो प्रेशर है वो इस शाफ्ट को इसके सेंटर में ला देगा। अब जब ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, तो अब ना ना इसका कांटेक्ट रहेगा, ना इसमें, मतलब इन दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, तो जिससे ये स्मूथली रन करेगा। अब इसमें तो मेनली अगर उसमें डिफरेंस देखें तो क्या है कि हम जो हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग, हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग थी, तो इसमें हम क्या कर रहे थे कि एक्सटर्नली प्रेशर की सप्लाई नहीं दे रहे थे, इसमें हम एक्सटर्नली प्रेशर की सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, इसको लिफ्ट करने के लिए। यहाँ से देंगे तो ये लिफ्ट हो जाएगा, लिफ्ट होकर ये जब ये जो ऑयल है यहाँ पूरे में फिल हो जाएगा, ये पूरे में फिल हो जाएगा, तो हर जगह से प्रेशर मारे सेम प्रेशर देगा, हर जगह से सेम प्रेशर देगा, तो क्या होगा, फोर्स भी सेम होगा, फोर्स सेम होगा, तो ये इस शाफ्ट को कॉन्सेंट्रिक कर देगा, ठीक है। तो ये होता है हाइड्रोस्टैटिक जो बियरिंग होती है और हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग में डिफरेंस। तो ये मेन डिफरेंस है, इसमें एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दे रहे हैं, इसमें एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है।
बट इसके इसमें अगर इससे कंपेयर किया जाए, हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग से कंपेयर किया जाए, तो जो हमारी हाइड्रोस्टेटिक बियरिंग थी वो एक्सपेंसिव होती है काफ़ी, क्योंकि इसमें जो डिज़ाइन क्राइटेरिया होता है वो ज़्यादा थोड़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए ये थोड़ी एक्सपेंस होती है। और जो 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 ये जर्नल बियरिंग्स वगैरह होती है, ये मेनली ब्रास और ब्रॉन्ज, ब्रास और ब्रॉन्ज की बनी होती है। और इस क्या होता है इसमें अच्छा, इसका जो मेन रीज़न होता है, मे बी ऐसे स्टेनलेस स्टील की भी बनी हो सकती है, लेकिन मेनली ब्रास और ब्रॉन्ज की एक स्लीप की तरह होती है, जिससे क्या होता है कि अगर देखा जाए कि शाफ्ट, अगर शाफ्ट में अगर फिक्शन होता है तो उसकी वजह से शाफ्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। क्योंकि अब देखिए ब्रॉन्ज जो होता है और जो ब्रास होता है, इसमें इसकी जो हार्डनेस होती है बहुत ही कम होती है अगर कंपेयर किया जाए माइल्ड स्टील से और स्टेनलेस स्टील से। तो इसलिए अगर कुछ भी फ्रिक्शन होता है तो उसकी वजह से अगर कुछ स्क्रैचेस वगैरह आएंगे तो बियरिंग पे स्क्रैचेस आएंगे, ना कि शाफ्ट पे, से हमारी शाफ्ट सेफ रहेगी। ओके, तो यही था इंट्रोडक्शन जनरल बियरिंग का। तो और इसमें आती है थिन फिल्म और ज़ीरो फिल्म, ये थिन और एक थिक फिल्म आती है। तो उसमें इसमें मेनली डिफरेंस यही है कि थिन फिल्म में वो क्लियरेंस काफ़ी कम रहता है, तो वहाँ पे जो लुब्रिकेटर रहता है उसकी जो फिल्म बनती है वो बहुत ही थिन रहती है, और थिक फिल्म लुब्रिकेशन में उसकी जो फिल्म रहती है वो थिक रहती है, क्योंकि वहाँ क्लियरेंस ज़्यादा होता है। एक ही होता है ज़ीरो फिल्म में क्या होता है, यहाँ पे हम लुब्रिकेशन यूज़ नहीं करते, तो मेनली ये तो बहुत बहुत ज़्यादा जो लाइट लोड रहते हैं वहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये जो बियरिंग हुई में भी ये सब प्लास्टिक की बनी होती है, तो प्लास्टिक में बीच में जो शाफ्ट डालते हैं तो वहाँ पर हमें फ्रिक्शन, मेटल टू अगर प्लास्टिक फ्रिक्शन देखा जाए तो इतना ज़्यादा नहीं होगा, और इतना ज़्यादा हीट भी डेवलप नहीं होगी उससे, तो वहाँ पर और काफ़ी लो उसका लोड कंडीशन है, तो इसलिए ज़ीरो फिल्म जो है हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। बाली जो मेन मेन था मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग और हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग। हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग में क्या होता है कि हम एक्सटर्नल प्रेशर नहीं देते हैं, हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग में हम क्या कहते हैं एक्सटर्नल प्रेशर देते हैं। इसमें जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है, हाइड्रोडायनेमिक में इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। ये जो होती है ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग। हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग जो होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि उसमें डिज़ाइन पैरामीटर्स काफ़ी सारे होते हैं, इसलिए ये एक्सपेंसिव होती है। हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग रहती है तो उसमें क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, जबकि हाइड्रोस्टैटिक में हम एक कॉन्स्टेंट प्रेशर बना के देते हैं, ठीक है। और इसमें जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन जो इनिशियल फ्रिक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर हम स्टैटिक से कंपेयर करें तो। इसमें कोई इनिशियल फ्रिक्शन नहीं होता है, क्योंकि हम पहले ही इस शाफ्ट को और बियरिंग को सेपरेट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ द प्रेशर, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ समझ में आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको एक बार और इसको समझाने का ट्राई करूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस।